हम जो सतलोक कैसे जाएंगे, हमारी भक्ति शास्त्र अनुकूल ना होने से हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो सतयुग त्रेता द्वापर में अक्षीण हो गए। अब चौथा युग जब कलयुग आ गया, अब इसमें आप देख रहे हो कोई प्राणी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है, चाहे ऊपर तो आपने कितना चिकना चोपड़ा दिखता हो और चाहे प्रधानमंत्री दिखाई देता, उसको चैन सपने में नहीं है, कोई ना कोई ऐसी टेंशन उसके घर करी हुई है कि वो बता भी नहीं सकता किसी को। तो इसलिए परमात्मा को ये मालूम था कि जब इनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब इनकी आँखें खुलेंगी, ये वो भक्ति भी करके छक लेंगे, उन संतों के पास भी भटक कर छक लेंगे जिनको ये संत मानते, और फिर भी ये ज्यों के त्यों रहेंगे, तब हमारे दास के पास आएंगे। और वो ऐसा मंत्र समर्थ के पास वो पावर है कि आपके संस्कार प्रारब्ध के दुख को भी, प्रारब्ध के संस्कार को भी वो चेंज कर सकता है। मासा घटे ना तिल बध है, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अब सतगुरु ना मिलने से भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे जिनको नहीं साध सत्संगा, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावे पारे। साधना तो नकली कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं सुख होने की और मोक्ष की। कहते हैं संशय शोक सराय में सुतक दिन राती, और जीवत जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। सत्साधना ना करने से हमेशा आपके संशय और शोक ये दुख सदा बने रहेंगे, और जीवत जग में जूती पड़े हैं यहाँ नरे कष्ट भोगोगे, और फिर जम तोड़े छाती यम के दूत आगे फिर बहुत दुखी करेंगे जो सत्साधना नहीं कर रहे। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, फिर अब जो साधना आप कर रहे थे वो शास्त्र विरोधी, और जिन भगवानों पर आप सीमित थे वो भगवान कंप्लीट नहीं थे, वो स्वयं नाशवान है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। लेकिन सतगुरु मिलने से तत्व ज्ञान का हमें प्रकाश होता है, उसके आधार से फिर हम अपने उस मार्ग पर चलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए वो दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद दंत कथा जैसा सुना सुनाए ज्ञान से हम साधना कर रहे थे, उसी के आधार से हम चल रहे थे। हम अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें समझा रहे कि पीछे लग गया दाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी, अब इसकी रोशनी में हम गड्ढों में, बोझड़ों में, कांटों में नहीं जाएंगे, इसके प्रकाश से हम सुमार्ग पर चलकर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब हम आते हैं जो आज प्रसंग शुरू किया था कि हम यहाँ किस लिए जन्मे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म मर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अपनी संपत्ति के संग्रह करने के लिए सारा जीवन न्योछावर कर देते हैं, और हमारे सामने या तो कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही हम चले जाते हैं। तो उस समय हमारी बुद्धि काम करने योग्य नहीं रहती, केवल हाहाकार, रोना पीटना, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाऊँगा, तो इतनी सी बात समाई रह जाती है। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब आपको एक विकल्प दिया जा रहा है कि आप ये साधना करो जो शास्त्र अनुकूल है, और शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। कुछ दिनों में बुद्धिमान हो आपके रूबरू सारा ज्ञान होगा, उन महापुरुषों का भी दास दिखाता है साथ के साथ, ये मंत्र बताते हैं, ये मंत्र बताते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं, और ये वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक मंत्र हैं, ये हमारे सद्ग्रंथ प्रमाणित करते हैं, और ये उन्हीं महापुरुषों ने इन मंत्रों का जाप किया जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हैं, उनके इतिहास से आपके रूबरू किया जाता है, जिससे एक इस उलझे हुए
गुत्थी को समझाने के लिए एक पॉइंट के ऊपर ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाने पड़ते हैं, जब पिछला रंग हटता है और तब जाके ये ज्ञान ग्रहण होता है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे कई भक्त कह देते हैं कि आपके जैसे कबीरपंथियों से हमारे भक्त मिलते हैं, या राधा स्वामी वालों से, धन धन सतगुरु वालों से, ये ही ज़्यादा भगवान उस सतलोक का ठेका ले रहे हैं कबीरपंथी, और ये वो नकली कबीरपंथी। कबीरपंथी हों तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती। पंथ माने मार्ग, वे जो भगवान ने रास्ता बताया कबीर साहब ने, वो कबीर पंथ है, वो कबीर के जी के द्वारा दिया गया मार्ग है, वो कहते हैं कबीरपंथी। अब जैसे यहाँ हिसार से जा रहे हैं इस सिरसा की ओर और कह रहे हैं हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है, हम दिल्ली पंथी हैं, तो उनको कौन समझावे? जा रहे हो सिरसा की ओर और कह रहे हो हम दिल्ली जा रहे हैं, तो कहते हैं कबीरपंथी और जा रहे हैं काल के पंथ पर, तो वो परमात्मा वाला ज्ञान नहीं और वो सत भक्ति नहीं, तो वो कबीरपंथी नहीं है। वैसे अब इनका छाप लग गई कबीरपंथ की, तो कहना पड़े उनको समझाने के लिए कि वो व्यक्ति हैं जो गलत साधना कर रहे हैं। तो ये सभी सतलोक की महिमा सुनाते हैं, और जब हमारे भक्त उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ चलो सही साधना है, सही ज्ञान है, तो वो कहते हैं नहीं, वो तो काल के नाम देता, शुरू से ही काल के नाम देता है। काल कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश के, देवताओं की पूजा बताता है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का टोटा है। जब ज्ञान संपूर्ण होगा तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग नहीं कर सकते हम इनको। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में एक विशेष विवरण है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझ लो, और इसकी तीनों गुण रूपी शाखा है। इतना गीता ज्ञानदाता केवल इतना नॉलेज रखता है कि ऊपर ने तो जड़ समझो, और जड़ वो दृढ़ है, वो अविनाशी पोर्शन है जो मूल है इस संसार रूपी वृक्ष का, और उस मूल मालिक है जो जड़ है सभी का धारण पोषण भी वही करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को पेड़ को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, खुराक मिलती है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए, सर्पुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू, अन्य सर्पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इन दो श्लोकों का लिंक अब उन प्रथम के 4 श्लोकों से है 15वें अध्याय के। तो इसमें बताया कि उल्टा लटका एक संसार रूपी वृक्ष है, और जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है कि उसकी शरण में जा, उससे पूछ, वो उसकी पहचान बता दी कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, वो निष्कर्ष है सारे ध्यात्म का, और वो तत्वदर्शी संत के ही पास होगा और मिलेगा नहीं तुझे। तो यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस तत्वदर्शी संत की भूमिका जैसी उनकी लीला है वो किया ही करते हैं, जैसा दास ने अभी वेदों के प्रमाण आपको बताए थे, रेफरेंस बताए थे, उनमें यही लिखा हुआ कि परमात्मा ऊपर रहता, ऊपर के लोक में, सतलोक में, वहाँ से चल कर आता सह शरीर, और यहाँ तीन प्रकार से के सतीति से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो आपको बता सतलोक में रहता है, जब उस वहाँ तो उनका शरीर बहुत तेजों में होता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोम कूप की उनकी शोभा होती, इतना तेज है। दूसरा, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं, और एक जल कमल के ऊपर, यानी कमल तो जल में ही होता है, सरोवर में आकर वो अपना निवास कर लेते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, वहाँ से निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, और उनके परवरिश की लीला कुमारी गायों से होती है। ये तो है प्रथम, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बचपन से ही वो अपनी महिमा अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से,
शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोग उनको कवि भी कहने लग जाते हैं। एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होते हैं वो, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अब तीसरी सतीथि में वो कभी भी कहीं भी किसी संत, किसी को संत रूप में, महापुरुष के रूप में आकर दर्शन देते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो तीसरी सतीथि वाले महापुरुषों में से दास आपको बहुत बार बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुराणी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपुर हो गया उत्तर प्रदेश वाले को मिले, आदरणीय रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे 104 साल के, जो परमात्मा उस दूसरी टाइप की लीला कर रहे थे, शिशु रूप धारण करके 5 वर्ष की आयु में लीला कर रहे थे, 104 वर्ष के ब्राह्मण को सब वेदों और गीता से पराजित कर दिया था। तब उस महापुरुष ने परमात्मा की शरण ली थी, उनको सचखंड लेकर गए थे, इन सभी महापुरुषों को अपने से परिचित कराया था कि मैं कौन हूँ जो तुम्हारे वेद बताते हैं, मैं वही हूँ और मैं ऊपर रहता हूँ, वहाँ से चल कर आता हूँ और यहाँ ज्ञान देता हूँ। तब उन महापुरुषों ने स्वयं देखा सचखंड में जाकर, फिर वापस छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न तू अंश। तुम ही साहेब हो, तुम ही सतगुरु हो, साहेब तो भगवान हो ही, आप सच्चा ज्ञान देने वाले सतगुरु भी आप ही हो, और आपके अंदर एक भगत के लक्षण है। आप जैसे परमात्मा आए थे कबीर दास, हमारे लिए एक रिहर्सल करके छोड़ गए कि यहाँ बकवाद नहीं चलेगी, जितना अधीन होगे भगवान उतना निकट आपका होगा। आधिनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बे अदबी सरकार। हमें सब परमात्मा भक्ति के लक्षण भी बता के गए हैं और उनसे होने वाली हानियों का भी परिचय दिया है, और किस प्रकार आपकी भक्ति नष्ट होती है वो भी जानकारी दी है, और कैसे सुरक्षित रहेगी। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुणात्मा जब आपको इस भक्ति की कीमत का पता चलेगा, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो माँ को, और फिर उसको पता है उसको कैसे रात को भी चिंता रहती है कि कहीं मेरा बालक मेरा बच्चा खराब ना हो जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, रात में करवट लेते समय भी एकदम उदड़ कर पड़ेगी कि बच्चे का दाब ना गिर गई हो, तब वो गर्भ रूपी लाल को वो सफल करती है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो वो खराब हो जा, तेरी ऐसे भक्ति न सावे। तो इस भक्ति के अंदर आपने मर्यादा गढ़ी जरूरी है। अब परमात्मा ने आपको सत भक्ति भी मिल गई, दास भी मिल गया, आपके अंदर भक्ति प्रवेश भी कर दी, अब उस लाल को आपने सुरक्षित रखना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही में वो बात भक्तिहीन हो जाओगे, फिर वहीं की वहीं फिर स्टार्ट होगी नए सिरे। तो इससे इतना डर के इस भक्ति को सफल करो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इसको कैसे सफल करेंगे और कैसे हमें प्राप्ति होगी परमात्मा की, ये इसमें मूल कारण है। अब हम तो कई जैसे प्रसंग चल रहा था कि हम ये कहते हैं कि आपके गुरुजी देवी देवताओं की पूजा देते, ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे आप जी को बताया था कि जैसे पति भर्ता लड़की होती है, वो उस पूरे परिवार में अगर प्रेम से रहती है तो बहुत अच्छी भगवान कहलाती है, और नौका अपने पति से अतिरिक्त किसी से ढंग से बोलूँ नहीं, किसी से बात नहीं करूँ, इसे रोटी पाऊँगी, इसे कपड़े धोऊँगी, हैं तो वो कलह का कारण बनेगी, तो वह पति भर्ता होते हुए भी वह नकमीय है। तो इसलिए हम यहाँ भक्ति करेंगे और ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अंश हैं, अंग नहीं, अलग नहीं है। जैसे प्रसंग चल रहा था उस पर फिर आते हैं कि परमात्मा ने बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम तो सतगुरु तुम हंस। अब रामानंद जी ने कहा है कि तुम ही भगवान हो और तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी एक सतगुरु की भूमिका की वो भगवान तो है ही है,
वेद बताते हुए परमात्मा आकर यहाँ सच्चा ज्ञान देता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है, जिस कारण से लोग अनजान में उनको कवि करने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, ज्योत निरंजन को सरपुरुष भी कहते हैं, अभी आपको पहले डिफाइन किया था। और तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसारी, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उसको डिफाइन किया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष तना, अक्षर पुरुष तना, उससे एक मोटी डार निकली है ज्योत निरंजन, यह सरपुरुष समझो। उस मोटी डार के फिर तीन शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और पात रूप उन तीनों शाखाओं के आगे फिर हम पात हैं। अब यहाँ एक तो ये जो इनकी धारणा और सोच गलत है, उसको दास क्लियर करना चाहता है कि जैसे हम कोई भक्ति रूपी पौधा बोएंगे, यानी को पौधा लाए आम का और उसको जड़ की तरफ से बोना चाहिए, समझदारी है, गड्ढे में, और जड़ की सिंचाई करनी चाहिए, तो जड़ की सिंचाई हम करेंगे तो वो तना भी, डार भी और टहनी भी बड़ी होंगी, वो पेड़ बनेगा। और हमने क्या कर रखा कि हमने पौधा उल्टा रोप लिया भक्ति रूपी, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश इन शाखाओं को ईष्ट मान लिया और इनको गड्ढे में डाल दिया, इनको तो गड्ढे में डाल लिया, जड़ कर दी ऊपर ने, और हम सिंचाई करने लग गए इनकी। आपको एक चित्र दिखा देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, हमने पौधे को कैसे बीजना चाहिए था और बीज कैसे दिया, ये है संसार रूपी वृक्ष। देखिएगा, ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और परमात्मा ने इसकी डिफाइन किया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये परमात्मा की वाणी है, निरंजन कहो सरपुरुष को, हुआ की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये इस जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन, हुआ की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। हम यहाँ पर हैं पात रूप संसार, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है उत्तम पुरुषत्व ने, ये है जड़ मूल सबका मालिक, यहाँ से हम सबको आहार मिलता है, यानी इस सरपुरुष अक्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक का पालक यही है, लेकिन थ्रो प्रॉपर चैनल हम तक पहुँचता है। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक विशेष विवरण है कि जब ब्रह्मा जी प्रजापिता ने सबसे पहले सृष्टि रचकर उनको संदेश दिया था कि तुम अपने यज्ञ अनुष्ठान करो और उसके द्वारा देवताओं को बढ़ाओ, शास्त्र अनुकूल साधना करो और उनसे देवताओं को बढ़ाओ, और बड़े हुए देवता तुम्हारे को बिना मांगे ही इच्छित भोग दिया करेंगे, और जो अपने संस्कार प्रारब्ध में मिले हुए से और उसमें से कुछ दान धर्म पुण्य नहीं करता वो तो चोर है भगवान का। फिर 14-15 श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को जो सबका धारण पोषण जो परम अक्षर पुरुष है उसको इष्ट रूप में मान के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहिए, जिससे आपको सभी लाभ प्राप्त होंगे। तो हम पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर जड़ की पूजा करवाते हैं और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने आप ही वो हमारे संस्कार शुभ बनकर इनके पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये तो आपने पेड़ देखा, अब हम पौधा दिखाते हैं। कई कहते हैं कि रामपाल तो हमारे देवताओं को छुड़वाता, इसलिए हम वो साधना नहीं करें। ये तो बालक हैं, बालक वाला ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसी ही भाषा बोला करता है। जब उनको ज्ञान होगा तो पता चलेगा के दास ना देवता छुड़वाता, आपको उन देवताओं को ढंग से पूजने की तरीका बताता हूँ साधना का, जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। अब देखिएगा, आप कोई पौधा लाए तो उसको ये ऐसे बीजना चाहिए और आम व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा
सीधा बीदा हुआ भक्ति रूपी पौधा। अब ये मूल है, पूर्ण परमात्मा अक्सर पुरुष जड़ है, इसको गमले में या गड्ढे में लगाया और सिंचाई की सत भक्ति की, तो इस जड़ से फिर ये सभी देवता, ये तीनों देवा शाखा, ये बड़े हुए, पेड़ बन गया, पेड़ बनकर फिर फल इनका लगेगा टेन में, फिर माँ विष्णु महेश को। अब इतना अनजान कौन होगा, वो मूर्ख ही होगा जो यूँ कह है कि माली जड़ की पूजा करता है और टहनियों को तोड़ के फेंकवा दे, फिर उस पूजा का फायदा क्या होगा, टहनियों के ही तो फल लगेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके शुभ संस्कार अशुभ संस्कार जैसे भी होंगे यही देंगे आपको, ये कंट्रोलर है आके। और जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तुम्हारे सारे शुभ ही शुभ होंगे, और वो जाएंगे इनके पास, ये फिर आपको देंगे। जैसे जड़ की पूजा की ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि जड़ की पूजा करने से वो टहनियों के फल लगेंगे, और वो फल अपने आप लगेंगे, वो टहनियों के बस की नहीं, यानी आपके शुभ संस्कार होंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको देंगे ही देंगे, चाहे आप कितने बैठे हो, चाहे जंगल में बैठे हो वहाँ भी जाकर देंगे आपको, ये इनका कर्तव्य बना है। अब आप कैसे कर रहे हो और दास क्या करवाना चाहता है ये देखिएगा। आप ऐसे कर रहे हो, आपने क्या किया है, भक्ति रूपी पौधा यानी साधना शास्त्र विरुद्ध कर रखी है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मान लिया और इसको गमले में लगा दिया टहनियों को, और इसकी इनकी पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी, ये भक्ति रूपी पौधा आपका सूख गया, जिस कारण से आपको कोई लाभ आध्यात्मिक प्राप्त नहीं हो रहा। दास कहता आप इसको ऐसे कर लो बस, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका फल लगेंगे इन टहनियों के, और बिना मांगे ही आपको फिर ये फल दिया करेंगे। जब आप इस मूल की पूजा करोगे, एक कैसा दे सब सद है, एक कैसा दे सब सद है, और सब सद सब जावे, माली सिंच है मूल को हो, फुल फुल गए। इतनी सी बात है, और ये हमारा शास्त्र अनुकूल ज्ञान है और शास्त्र अनुकूल साधना है। प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ।